अब फिर बैंकों के सामने लाइन लग रही है, राहत की राशि का 1600 करोड़ डाल दिया, और डालूंगा, चिंता मत करना, फसल बीमा योजना का पैसा अलग से मिलेगा, धान की खरीदी हो रही, गेहूं की भी रिकॉर्ड तोड़ खरीदी, कोरोना में करी थी कि नहीं करी थी बताओ, अरे जोर से बताओ, करी थी कि नहीं। अभी तक 82,422 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचा चुका हूं, चिंता मत करना रे, गैगड कर दूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब अपना राज है। हम पूरे पूरे मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण वर्ग लगाएंगे, मैं एक बार फिर कहता हूं, सुशासन दिवस है, आम जनता को सारी राहत प्रदान की जाएगी, संबल योजना फिर से चालू की जा रही है, मेरी बहने बैठी है, संबल योजना फिर से हम चालू कर रहे हैं, और संबल योजना के साथ साथ गरीबों के कल्याण की जितनी योजनाएं बंद कर दी थी कमलनाथ सरकार ने, वो सब योजनाएं फिर से चालू की जा रही है, वो तो कन्याओं का विवाह करके 51,000 के बजाय ढेला नहीं दिया, अब फिर से सारी योजनाएं चालू की जाएगी, और मध्य प्रदेश में कानून का राज रहेगा, गुंडे बदमाश माफियाओं का राज नहीं रहेगा, निराशा का बादल पिघल कर रहेगा, उम्मीद का कमल खिल कर रहेगा, विकास का जुनून मचल कर रहेगा, प्रगति का आंकड़ा आगे बढ़कर रहेगा, हर माफिया का मोह कुचल कर रहेगा, ये मध्य प्रदेश शांति का टापू संभल कर रहेगा। वादा है मेरा मध्य प्रदेश की जनता से, भारतीय जनता पार्टी और ये शिवराज आपकी जिंदगी को बदल के रहेगा।